हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। और बिल्कुल, ये चौथा पार्ट है, इट इज़ फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज़। और हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, जो लास्ट 1 एंड 1.5 ईयर से हो रहे हैं। उन सभी घटनाओं को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिटेल में कर रहे हैं एक एक चीज़, ताकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता चल जाए और साथ ही साथ में आप इंटरलिंक कर सके प्रेजेंट के टॉपिक्स। तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस और साथ ही साथ में यूपीएससी के लिए यह आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे काम करेगा। लगभग 40 to 50 आवर्स की क्लासेस होंगी। कई सारे स्टूडेंट्स इश्यूज रेज कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे पास मेल सारे आ ही जाते हैं। आप लोग मुझसे चर्चा भी करते हैं कि सर ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप बहुत लेट क्लास दे रहे हैं, मतलब एक एक सप्ताह हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, एक एक चीज़ को लिंक करने के लिए क्या होता है, और मेन क्या है कि ये जो पीपीटी पीडीएफ वाला जो काम है, ये बड़ा एक्सटेंडेड होता है। तो जब मैं वन डे क्लास की बात करता हूँ, मतलब डेली बेसिस पे करंट अफेयर करवाता हूँ, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। मैं एक एक क्वेश्चंस को मेंस के आंसर्स लिखवा रहा हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा फोकस वहाँ कर लिया। तो मैं अब ये कोशिश करूँगा आपके लिए कि मैं रेगुलर बेसिस पर डेली, मतलब कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है एक दिन का गैप आ जाए, तो आपको एक दिन में दो लेक्चर्स मिल जाएं, ताकि बिफोर 31 जुलाई, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, 31 जुलाई से पहले पहले मैं आपके 40 नहीं, ये ज़्यादा आवर्स जाएंगे, क्योंकि देखिए 50 घंटे में लास्ट ईयर्स के करंट अफेयर कवर करना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। फिर कई बार सेक्शन रह जाता है। तो हम लोग डिटेल में बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं। तो आपको और भी कोई इश्यू हो किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ राइट ऑन दिस। ये मेरा जो है पर्सनली मेल आईडी, जो संस्था है कैटलिस्ट ग्रुप की तरफ से, वो बनवाया गया है, और यहाँ पर मेरे को आप आंसर्स दे सकते हैं। ये गलती से कॉम, ओके, मैं भी सुधार देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये तो बड़ी ब्लंडर हो गया यहाँ पर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा आप में से, व्हाट डज इट मीन ब्लंडर? ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक, एक बड़ी गलती, है ना। चलिए, तो ये सेव भी हो गया है, 1 मिनट का समय दे दीजिए। तो अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आई थिंक अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर आप मेल करिए, रेगुलर जो भी समस्या है यहाँ पर बताइए। तो चलिए हम लोग बैक टू पेवेलियन, मतलब कंटेंट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आज हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, अब आप बोलेंगे सर ये टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन सा जीएस पेपर है? देखिए, इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, पूरे 8, 10, 12 टॉपिक जो भी हैं ये सभी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा हो गया। तो इसमें कोई डाउट डिलेमा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सऊदी अरेबिया लॉन्चेस एन ऑयल वॉर, किसके साथ में ऑयल वॉर लॉन्च किया था? आप लोगों को याद आ रहा होगा, पिछले साल एक बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू आया था, और वो क्या था आपको पता होगा, ओपेक देश हैं, ओपेक कंट्रीज, ओपेक में लगभग 14 14 कंट्रीज हैं, टोटल 14 कंट्रीज हैं। और एक और चीज है ओपेक, ओपेक प्लस। अब ये प्लस क्या है, तो इस पर चर्चा करते ही आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वे सभी देश जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। और इनको किस आधार पर रखा गया, ओपेक कंट्रीज बने कैसे? वे सभी देश जो ओवरऑल क्रूड ऑयल जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल की बात करूं, क्या भारत क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि भारत तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की टोटल डिमांड का 20% हम लोग बॉम्बे हाई, नॉर्थ ईस्ट और गोदावरी बेसिन इत्यादि से निकालते हैं। तो हम सरप्लस नहीं है क्रूड ऑयल में। जो देश क्रूड ऑयल के सरप्लस कंट्रीज हैं, वे सभी ओपेक देशों का हिस्सा हैं। इज इट क्लियर? दोज आर द पार्ट ऑफ ओपेक कंट्रीज विच हैव सरप्लस क्रूड ऑयल। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ओपेक देशों को लीड कौन करता है सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के मामले में है? सऊदी अरेबिया। ओपेक प्लस में मैंने क्या बोल दिया था, ओपेक प्लस में रशिया शामिल हो गया। अब रशिया और सऊदी अरेबिया, यहां पर एक कंट्रोवर्सी दिखाई दी। देखिए क्या किया सऊदी अरेबिया ने, यह देखा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, बैरल डॉलर पर बैरल, डॉलर पर बैरल, ये लगातार क्या होते जा रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक के चलते ये प्राइस लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट।
और ऐसा क्यों है? ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जिसको इतना ज़्यादा पेट्रोल इत्यादि की डिमांड थी वो अब बिल्कुल कम हो गई है, प्रोडक्शन इन्होंने उतना ही किया हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, प्रोडक्शन तो क्रूड ऑयल का ये ओपेक कंट्रीज क्या होते हैं, रेगुलेट करते हैं। ओपेक की अपनी सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, वियना के अंदर वियना है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। अब यदि ये पेट्रोल तो क्रूड ऑयल तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, एक्सकेवेट कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली डॉलर पर बैरल जो है, और एक बैरल, वन बैरल इज इक्वल्स टू व्हाट, 159 लीटर्स, 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होने पर क्या होता है कि प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं। एक समय था आज से 3-4 साल पहले कि 120 डॉलर्स पर बैरल ये वैल्यू थी, एक बैरल का मतलब 159 लीटर्स ये वैल्यू थी। अभी देखा गया कि ये 20-30 के बीच में आ गया था। तो सऊदी अरेबिया ने बोला सभी देशों को, ओपेक कंट्रीज को, रशिया को भी, क्योंकि ओपेक प्लस का हिस्सा है वो, कि भाई आप प्राइस, आप क्या करिए, आप अभी ज़्यादा एक्सप्लोर मत कीजिए। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, ज़्यादा उत्खनन मत कीजिए, ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद मत कीजिए। इससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई चेन बराबर रहेगा, कम से कम ये 20-30 जो है वो 40 डॉलर पर बैरल तो आ जाए, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो रहे हमेशा, है ना। क्योंकि जब एक समय आएगा जब आपको हो सकता है 100 डॉलर, अभी करंट में बता रहा हूँ, आज की डेट में मतलब जो 3 जुलाई है, आज की डेट में 75 डॉलर्स पर बैरल हो गया आज की डेट में। तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की, पर बैरल ये चल रहा है वैल्यू। तो वही पेट्रोल है जो 20-30 में, वही क्रूड ऑयल है जो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि रशिया को बोला जाता है, रशिया बोलता है नहीं, वी विल नॉट स्लैश डाउन, हम लोग कम नहीं करेंगे पेट्रोलियम का उत्पाद। और इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, रशिया का मेन टारगेट हमेशा यूएसए, अमेरिका रहता है। और अमेरिका कैसे रहता है कि अमेरिका में शेल कुएं हैं, शेल गैस, अमेरिका में नई खोज हुई पिछले 100 वर्षों में, शेल पे काम हो रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई कि शेल ऑयल जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में ओवरऑल अमेरिका को प्रॉफिटेबिलिटी हो सके। लेकिन अब पिछले 20 सालों से इन्होंने टेक्नोलॉजीज, फ्रैकिंग वगैरह, कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करूंगा, व्हाट इज फ्रैकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या होता है, रशिया बोलता है कि यदि मैं और ज्यादा प्रोडक्ट करूंगा तो जो शेल है, शेल के दामों को भी कम करना पड़ेगा, और इसलिए रशिया वॉज नॉट रेडी टू कॉपरेट विद सऊदी अरेबिया। इज इट क्लियर? अब ऐसा जैसे ही हुआ तो सऊदी अरेबिया तो सबसे ताकतवर है, मतलब क्रूड ऑयल के मामले में, तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, इन्होंने बोला कम करो, रशिया ने बोला नहीं करेंगे, तो सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। इससे क्या हुआ, अपने सबसे निम्नतम दाम पर आ गया क्रूड ऑयल की वैल्यू। इज इट क्लियर? तो अब सोचिए, वही रशिया है, उसके पास वही खाने हैं, उन खानों से पेट्रोलियम वही निकल रहा है जो दुनिया के सबसे सस्ते में जा रहा है। तो फाइनली क्या हुआ, रशिया को बात माननी पड़ गई कि भैया ये तो ओवरऑल अब तो लास्टली रशिया को ही नुकसान हो रहा है। तो इसके बाद में क्या होता है कि रशिया वापस बैक ले लेता है। तो कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि सऊदी अरेबिया हैज स्टार्टेड इनक्रेडिबल प्राइस वार विद रशिया बाय स्लैशिंग इट सेलिंग प्राइस। उसने क्या करा, अपनी सेलिंग प्राइस को ही गिरा दिया, और लीडर के तौर पे काम करता है ये किसमें, ओपेक कंट्रीज में, एंड प्लेजिंग टू अनलीश इट्स पेंट अप सप्लाई ऑन टू द मार्केट, रीलिंग फ्रॉम फॉलिंग डिमांड बिकॉज ऑफ द कोरोना आउटब्रेक। तो जब प्राइस गिरा दी तो उसके बाद में क्या हुआ, सब लोग यहां से खरीदेंगे। देखिए, रशिया के पास में आज की तारीख में उसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए या तो गैस है, गैस पाइपलाइन चाइना के साथ है, या फिर पेट्रोल है, और पेट्रोल भी वो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको सेल आउट करता है। ईस्टर्न यूरोपियंस का मतलब लाटविया और जो कभी रशिया के हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि नाटो की एक यूनिटी है और उसके चलते क्या होता है, वो देश कम खरीदते हैं। तो रशिया तो पहले ही कुछ लिमिटेड देश, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं क्रीमिया पेनिनसुला को हथियाने के बाद में, तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो रीजन बिहाइंड सऊदी अरेबियाज मूव, ये ऐसा क्यों हुआ, टर्मोइल कम्स आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ ऑयल अलायंस बिटवीन ओपेक एंड रशिया। रशिया रिफ्यूज टू गो अलॉन्ग विद ओपेक्स एफर्ट
टू रेस्क्यू द कोरोना वायरस बैटर्ड ऑयल मार्केट बाय कटिंग प्रोडक्शन। मैंने आपको कहानी पूरी समझा दी है कि वो उसने प्रोडक्शन को कट करना नहीं शुरू किया, और इसके लिए एक तो सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन भी बढ़ाया, साथ में उन्होंने प्राइस बहुत कम कर दिए, तो ओवरऑल रशिया को बहुत नुकसान हुआ। देखिए, यदि 5-10 दिन सऊदी अरेबिया दाम को कम कर देता है तो भारत जैसे देशों को तो बहुत फायदा हो जाता है, भारत बहुत सारा पेट्रोल ले लेगा। लेकिन भारत कितना पेट्रोल लेगा? सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व भारत का इसी में जाता है, और भारत कितना भी ले ले, मैक्सिमम एक मंथ का ले सकता है, क्योंकि हमने आपको डेली करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भारत के केवल एक महीने के हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे यूएसए और जापान, इन्होंने कई कई सालों के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। तो जब दाम ये $20 से $30 पर बैरल हुए थे तो भारत सरकार क्या कर सकती थी? यदि उसके पास 2-5 साल का रिजर्व होता स्टॉक के लिए, उनके पास जगह होती, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते, तो आसानी से हम लोग स्टॉक कर लेते और हमारी इकोनॉमी जो है उसको दूसरी जो फॉरेन रिजर्व है उसे किसी और दिशा में यूज कर लेते, यस और नो, खर्चा बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो, बताइए आप, 70 साल में भारत सरकार ने ये कुछ नहीं किया। देखिए, कोई भी पॉइंट है उसको इंडिया से लिंक करके देखना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो रशियाज रिफ्यूजल टू कट प्रोडक्शन वाज एम एट पाइलिंग अप मोर लॉसेस, और इसका उद्देश्य क्या था वो मैंने शुरुआत में बता दिया कि शेल ऑयल प्रोडक्शन है ना, उसको कंटेन करना, अमेरिका को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाना, क्योंकि जब प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे तो आसपास के शेल नहीं खरीदेंगे, और वो अब रिलेशन किससे बनाने की कोशिश करेंगे? रशिया से बनाने की कोशिश करेंगे। तो जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल वैसी ही होती है, जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम लोग जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, किसी कंपनी में होते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, और टोटली एक देश के इंटरेस्ट मैटर करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, मेरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके, इस तरह से, ठीक है। द फेलियर ऑफ वियना मीटिंग लेफ्ट ऑयल इंडस्ट्री शेल शॉक स्पार्किंग 10% प्लंज इन ऑयल प्राइसेस इवन बिफोर सऊदी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो वॉर डिक्लेयर करने से पहले 31% तक मतलब ये गिर गए थे दाम। इज इट क्लियर? तो अब बात आ रही है कि एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी साथ में आ जाए तो, है ना, चीजों को जितना इंटीग्रेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो फ्रैकिंग क्या होता है? शेल गैस के कुएं बहुत है अमेरिका, टेक्नोलॉजी भी अमेरिका ने फाइनली निकाल ली, 100 साल पहले ही खोज लिया था, लेकिन 20 साल से ये टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक काम कर रही है, कमर्शियली प्रॉफिटेबल है, कमर्शियली जो है इनके लिए प्रॉफिटेबल है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब क्या होता है कि शेल क्या होती है? देखिए, यहां पर गैस रिच लेयर, बहुत नीचे जाकर गैस रिच लेयर होती है, और इसको फ्रैक्चर किया जाता है। फ्रैक्चर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी पत्थर को या चट्टान को तोड़ेंगे तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, वही फ्रैक्चरिंग है, ठीक है। तो फ्रैक्चर किया तो इससे क्या होता है, फिर इन गैस के जो ये एटॉम्स हैं इनको सक कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, गैस को तो आउट कर दिया जाता है। अब देखिए, ये फ्रैक्चर बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, ऊपर वाली लैंड ऊपर नीचे या भूकंप का कारण बन सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, वाटर, सैंड, केमिकल्स इत्यादि को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब ये कमर्शियली वाइबल टेक्नोलॉजी है ना, इज इट क्लियर? तो ये है फ्रैक्चरिंग, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, इनर लेयर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा वो तो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, लेकिन नुकसान ही होना ओवरऑल, ठीक है। तो यहां पर व्हेन कैन दिस डैमेज द US शेल इंडस्ट्री, तो अल्टीमेटली US को नुकसान हुआ क्योंकि फ्रैकिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्टलियर है। तो शेल के अपने प्राइस हमेशा ऑयल से थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अमेरिका को जो जो लाने ले जाने की सुविधा और बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लगातार इस टेक्नोलॉजी को चीपर टू चीपर बनाना चाह रहे हैं, ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। In early 2000, fracking technology became too broadly applied to reservoir that had been viewed as being uneconomic for the previous 100 year or so. पिछले 100 सालों से ये uneconomic था, अब viability, आपको याद आ रहा होगा भारत के भुवनेश्वर में भी जो है शेल गैस के जो है ships अभी भारत ने मंगवाए थे, just to balance कि भाई अमेरिका बार बार पीछे पड़ रहा था, लो हम ले लेते हैं यार,
है ना, इस तरह से भारत ने भी कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री को बैलेंस करने के लिए या उसे खुश करने के लिए हम शेल गैस को भी अभी इम्पोर्ट किया हमने, तो इंडिया ने इम्पोर्ट किया है, ये लास्ट ईयर की बात है। तो इस प्रकार से 14 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया है ना, इसके अलावा गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, लेकिन इसमें सबसे सरताज जो है वो कौन है, सऊदी अरेबिया। याद रखना यूएसए, यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, याद रखना, पेट्रोल इत्यादि का, क्रूड ऑयल का। सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया और थर्ड नंबर पर आता है रशिया। तो ये लगातार क्या होता है, इनके बीच में प्राइस वार, टसल इत्यादि चलती रहती। वही कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओपेक कंट्रीज 1960 में बना, एक बेसिक बात देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि भाई व्हाट वाज दिस टसल, ये क्या था, कैसे इसको बैलेंस किया, एंड इंडियाज एंगल, आप इंडिया का एंगल बता दीजिए, है ना, सारी बातें समझाई दी। तो ये कुछ देश थे, पांच देश है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, इन पांच देशों ने सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर कहलाए। बाद में धीरे धीरे इसका, इसके अंदर टोटल 14 कंट्रीज हो गई, ये 13 नहीं, अभी 14 चल रहा है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि फिर बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रिया में कर दिया गया, ठीक है। और ये दुनिया में वही कंट्री है, एनी कंट्री विद ए सब्सटेंशियल नेट एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, उसे इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्या भारत क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में रीजन बता दिया, 20% ही हम लोग ओवरऑल डिमांड का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई में, ठीक है। और अभी तो गोदावरी बेसिन वगैरह में वहां पर बहुत सारी गैसेस वगैरह मिल रही है ना, जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो है के जी बेसिन, इसे क्या बोल रहे हैं, के जी बेसिन, के जी बी, के जी है ना। इसके अलावा क्या भारत पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्या डीजल एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्रूड ऑयल नहीं करता। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, देखिए भारत बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल मंगवाता है, और आसपास के देशों को जो भारत की रिफाइनरीज है उसमें जामनगर की रिफाइनरी वर्ल्ड नंबर वन है, और इवन इसके बाद जो रिफाइनरी आती है ना, 1/3 ही है प्रोडक्शन के मामले में जो चाइना की है। तो अपने आप में बहुत बड़ा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। इज इट क्लियर, लिंक हुई सारी बातें। अब अगली टॉपिक पे आते हैं, एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं आराम से, बिल्कुल कंफर्ट जोन में, आप रिलैक्स होके सुनिए बात को, जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड टॉपिक है एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमेशा एक बैटल ग्राउंड रहा है, जिस प्रकार से करंट में सीरिया है। सीरिया कैसे बैकग्राउंड बैटल ग्राउंड है, सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार, मैं जस्ट लिंक करना चाह रहा हूं, बशर अल असद की सरकार, और डमेश्कस सीरिया की राजधानी है। अब रशिया फेवर्ड ये प्रेसिडेंट है बशर अल असद, जिसे बिल्कुल भी नाटो और वेस्ट कंट्रीज और यूएसए वगैरह नहीं चाहते। तो ये आए दिन क्या होता है, ये अटैक करते रहते हैं यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर, आपको मैं भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की जो कंट्रीज है उनको दिखाऊंगा। तो यहां से क्या होता है, ये अटैक करते रहते लगातार। इज इट क्लियर। तो सीरिया आज की तारीख में बैटल ग्राउंड है, इसी प्रकार से अफगानिस्तान। आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे तो मैंने जरूर पूरी कहानी बताई होगी कि सबसे पहले तो तीन जो आप वार देखेंगे, अफगानिस्तान में कोई भी कंट्री अपने आप को प्रॉस्पेरस नहीं कर पाई जो बाहर से पावर्स आई। जैसे ब्रिटिशर्स थे तो आपको याद आ रहा होगा एंग्लो अफगान वॉर वन, एंग्लो अफगान वॉर टू, इसमें जीता, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारे अंग्रेजों को मारकर भेज दिया जाता है वापस, और केवल एक व्यक्ति को जिंदा छोड़ा जाता है। तो अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं है ना, वो बहुत ही लड़ाका युद्धक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो पश्तून हैं, यहाँ के जो लोकल प्रजाति, वो लड़ाका है, फाइटर्स हैं। उसके बाद आपको याद आ रहा होगा कि 1979 में, और ये अफगानिस्तान एक और, देखिए पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे तो समझ में आएगा कि कंट्री है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं।
तो अफगानिस्तान जो है वो हमेशा से बैटल ग्राउंड इसलिए रहा कि भाई अंग्रेजों को रशोफोबिया था, रशोफोबिया का मतलब रशिया का डर। इसी प्रकार से अमेरिका ने ये देखा कि भाई अफगानिस्तान के माध्यम से हम यूएसएसआर को जो है ना स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उन्होंने मुजाहिदीन इत्यादि की फौज खड़ी की। फाइनली वही मुजाहिदीन तालिबान बन गए। अच्छा, तालिबान का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज समझेंगे हम लोग। तालिबान, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है एक्चुअल में। और वहां पर ये लोग क्या है, गुड तालिबान, उसको भी लिंक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करा अमेरिका ने, मुजाहिदीन की फौज बनाई, और यही मुजाहिदीन यूएसएसआर से लड़ते थे और उनको पैसा नाटो सपोर्ट दिया करता था। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि रशिया को भी ये जीतने नहीं देते हैं। इधर अमेरिका ने मुजाहिदीन खड़े किए, तो यही ये मुजाहिदीन फाइनली अलकायदा के रूप में जो आते हैं वो अमेरिका पर अटैक कर देते हैं। तो देखने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया, इवन चाइना भी चाहे तो इसे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से ये रेजिस्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो अफगानिस्तान में एक तो है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें अशरफ घनी है, प्रेसिडेंट है, और उसके अलावा अब्दुल्ला अब्दुल्ला है। और ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है ना, इनको पीस मेकर कहा जाता है। ये तालिबान के साथ शांति वार्ता में हमेशा एंगेज रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका भी चाहता है कि भाई तालिबान को कंटेन किया जाए। और तालिबान दो प्रकार के हैं, आपने कई बार सुना होगा, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। वैसे तो ये टर्म होनी नहीं चाहिए, मतलब भारत देश तो ये नहीं मानता। अब आप पूछेंगे सर ये गुड तालिबान क्या है और बैड तालिबान क्या है, तो ये गुड बैड का जो टर्म है वो पाकिस्तान के रेफरेंस में, राइट। अभी तालिबान क्या है, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो समझे इसको, तो पाकिस्तान के रेफरेंस में क्या है कि भाई गुड तालिबान जो पाकिस्तान को फेवर करते हैं, वो तालिबान के ग्रुप जो अफगानिस्तान के हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क्स, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लश्कर ए तैयबा, ये भी एक प्रकार के तालिबान ही, लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत के खिलाफ लड़ता है। इज इट क्लियर? बैड तालिबान कौन है, वे तालिबान जो पाकिस्तान में कई बार अटैक कर देते हैं ना, फिदाइन अटैक, पाकिस्तान में भी अटैक होते रहते हैं। आपने देखा था कि स्कूल के अंदर अटैक हुआ था, लगभग 100-150 बच्चे मारे गए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ गुड तालिबान बैड तालिबान, अशरफ घनी अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इनके बीच में नेटवर्क, और अफगानिस्तान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गई। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट, और इसे दोहा एग्रीमेंट कहा गया था। दोहा कतर की राजधानी, वहां पर क्या होता है कि चूंकि आपको पता होगा सन 2001 में अमेरिका पूरी ताकत के साथ में अफगानिस्तान आ जाता है। क्यों? उन्हें पकड़ना है ओसामा बिन लादेन, जिसने वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर अटैक किया था, WTP पर और पेंटागन के ऊपर। तो फाइनली क्या होता है, देखिए अमेरिका भी क्या बोल रहा है, 11 सितंबर को ये फिर से चले जाएंगे। लेकिन ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। 11 सितंबर 2021 को ये पूरी तरह से चले जाएंगे, बीच ही रास्ते में इनको छोड़कर अभी तक कोई प्रॉपर जो गवर्नमेंट है वो ये प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। तो अपने आप में अमेरिका की एक इमेज बहुत टार्निश होने वाली है, खराब होने वाली। लेकिन इन्होंने पिछले साल क्या है, दोहा कतर में एक एग्रीमेंट किया तालिबान के साथ में, तालिबान को भी स्ट्रीमलाइन किया गया पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। ठीक है, तो हाईलाइट ऑफ एग्रीमेंट क्या है कि भाई मिलिट्री ट्रुप्स विड्रॉल, इट्स लेआउट ए 14 मंथ टाइम टेबल फॉर द विड्रॉल ऑफ ऑल मिलिट्री फोर्सेस। तो जो दोहा एग्रीमेंट हुआ, 14 महीने के बाद में पूरी तरह से मिलिट्री को, और आपको पता ही 11 सितंबर को 14 महीने मतलब 1 साल 2 महीने सारे फोर्सेस वो लेकर जाएंगे। ठीक है, इट्स अलाइड्स एंड कॉलिशन पार्टनर इंक्लूडिंग ऑल नॉन डिप्लोमेटिक सिविलियन पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ट्रेनर्स। आपको पता होगा अमेरिका के बहुत सारे शार्प शूटर्स वो भी यहाँ लगे हुए हैं। शार्प शूटर क्या करते हैं, वो चुन चुन के लोगों को मारते रहते हैं, इनको लगता है कि भाई ये अभी नुकसान पहुंचाने वाला है। और अमेरिका के भी कई सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। अमेरिका की राजनीति में भी बड़ी दिक्कत, पॉलिटिक्स में बड़ी दिक्कत आती है कि भाई एक दूसरे देश के लिए आप युद्ध कर रहे हो और अपने ही देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो अमेरिका में कई बार क्या होता है, ये प्रश्न उनकी संसद में, जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं, ये उठता रहता है। रिलीज ऑफ प्रिजनर, तो 1000 प्रिजनर्स को, 5000 प्रिजनर्स को छोड़ने की भी बात की, और सेम डे जब दोहा वगैरह हुआ उन्हीं दिनों में 1000 छोड़ भी दिए गए। ये कौन से लोग हैं जिनको अमेरिका ने पकड़ लिया था। ठीक
ठीक है, और ये कौन है, तालिबान के लोग हैं। तो कॉम्प्रेहेंसिव सीज फायर, तो एक बहुत व्यापक रूप से युद्ध विराम की घोषणा हुई, आर्मिस्टाइस, एक और शब्द आ सकता है सीज फायर के लिए, आर्मिस्टाइस बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही काम चलेगा, लेकिन तालिबान शक्तिशाली है और वो टेरर ग्रुप से रिलेट करता है, तो ये हमेशा शक्ति को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, इट वॉन्ट्स टू रीन द होल कंट्रोल। तो प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ अफगानिस्तान बाय एनी ग्रुप और इंडिविजुअल अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज, मतलब अब रोकने की बात है अफगान के एनी ग्रुप को और इंडिविजुअल अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड एलाइज, क्योंकि वो लगातार उनसे युद्ध कर रहे थे। तो ही इज अशरफ घानी और ये हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और ये पीस मेकिंग में मदद करते हैं। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ इंट्रा अफगान डायलॉग, इंट्रा अफगान डायलॉग इसे दोहा को कहा गया, इंट्रा का मतलब अंदर ही, कौन से ग्रुप हैं, तालिबान और पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये सब यहां पर सीज फायर फाइनली हो रहा है। ठीक है, लेकिन फाइनली मैं आपको कंक्लूड करके दूं कि जब 11 सितंबर को 2021 को अमेरिका जाएगा, उसके बाद तालिबान का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पाकिस्तान का जो वो गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट है, उसमें पाकिस्तान क्या है, हमेशा इन्फ्लुएंस रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा ड्यूअल पॉलिटिक्स की है, एक तरफ तो अमेरिका से फायदा लेता रहा, कैसे कि अमेरिका के बहुत सारे बेसिस बेसिस और या यूँ कह लीजिए कि वो पाकिस्तान के बेसिस को यूज़ करता है, कभी भी अटैक करना होता है अफगानिस्तान के अंदर कोई भी ड्रोन इत्यादि अटैक्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अमेरिका ने F-16 विमान इत्यादि बहुत सारे विमान, बहुत सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान को दिए। मतलब आप ये समझिए, हम लोग पहले देखते थे, आज जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज है, यूएस पाकिस्तान चाइना और इंडिया, एंगल क्या है, पहले क्या था, पाकिस्तान नेबर है अफगानिस्तान का, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किया करता था अमेरिका, और क्यों किया करता था, ताकि अफगानिस्तान और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। अब क्या होता है, चाइना एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है, चाइना को बैलेंस करने के लिए रीजनल पावर केवल और केवल किससे साथ मिलाना होगा, हाथ मिलाना होगा, तो यूएसए अब किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या इंडिया किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, दोनों एक ही बात है। अब चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया यूएस अपने रिलेशन बढ़ाते हैं जस्ट टू मेक बैलेंस्ड अप्रोच, और इधर क्या हो रहा है कि चाइना ने बहुत ज्यादा डोनेशन पाकिस्तान को दिया, तो ये तो पूरी तरह से क्या है, एक प्रकार का गिनी पिग बन चुका है, यूं कह लीजिए इसका उपनिवेश बन चुका है। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो है ना, एवरी 5 to 10 ईयर्स में बहुत रैपिडली चेंज होती हुई दिखाई देती है। आज रशिया इंडिया के अच्छे संबंध हैं, लेकिन कल को इंडिया और चाइना का युद्ध होता है 5 से 10 साल के बाद, तो रशिया का एंगल बहुत ज्यादा झुक जाएगा चाइना की तरफ। सो दिस इज द जियोपॉलिटिक्स। तो भारत ने यहां पर बैलेंस स्टेज स्टैंड बनाया हुआ है। वैसे हम लोग अफगान को सपोर्ट करते हैं, अफगान के अंदर हमने कई सारे रोड्स बनाए हैं, हम लोग बहुत सारे वीट सप्लाईज खाद्यान्न पहुंचाते रहते हैं, सपोर्टिव रहा है, लेकिन अभी तक हम इस पीस प्रोसेस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान का थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी इत्यादि बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे एकदम। ठीक है, द डील हैज रीट्रेटेड इंडियाज कमिटमेंट टू अफगानिस्तान परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन। हम चाहते हैं कि वहां पर लगातार सतत शांति बनी रहे, और इंडिया ने एक्सेप्ट किया है दोहा एग्रीमेंट को कि बहुत बढ़िया, अफगानिस्तान में शांति रहेगी तो हमारे संबंध अफगानिस्तान से अच्छे रहेंगे, और अफगानिस्तान और इंडिया के संबंध से क्या होता है, पाकिस्तान को थोड़ा सा बैलेंस किया जाता है, क्योंकि कल को अफगानिस्तान से अच्छे संबंध रहते हैं, तालिबान से भी भारत बात करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, कल को यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसान होगा चीज़ों को समझना। लेक्चर के बारे में मैं पहले ही बता दूं कि लेक्चर यदि लंबा चला जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, पॉइंट्स को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और आप मैपिंग में इनको है ना, मैप जो जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसको मैप पर लोकेट करते चलिए। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ आपके। अ रो बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, ग्रीस आपको पता है टर्की का पड़ोसी देश है, टर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के एलाइज हैं, टर्की भी शामिल हो गया था नाटो में, याद रखना। और टर्की का जो एक शहर है इस्तांबुल, इट इज द
गेटवे ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल को गेटवे ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो नाटो एलाइज हैं टर्की भी ग्रीस भी। लॉक्ड हॉर्न ओवर हु गैट टू एक्सप्लोर हाइड्रोकार्बन्स इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो हम ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को देखेंगे, है ना, इस पूरे रीजन को हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे मैप की मदद से। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ में ये इश्यू आया क्यों, देखिए समझने वाली बात यह कि जो टर्की है ना यूएन क्लॉज को नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, CLOS, लॉ ऑफ सीज, ये इसमें मेंबर नहीं है, ग्रीस इसका मेंबर है। तो जो आपने कई बार पढ़ा होगा ना, आपने तीन चीजें पढ़ी होंगी, एक तो है कॉन्टिग्यूस जोन, एक है टेरिटोरियल, जो समुद्र के पास में टेरिटोरियल कॉन्टिग्यूस एरिया होता है, एक टेरिटोरियल एरिया होता है और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। कॉन्टिग्यूस जोन कितना होता है, नॉटिकल माइल, कॉन्टिग्यूस जोन कितना होता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक, एक्चुअल में ये 12 से 24 होता है, और ये 12 नॉटिकल माइल तक कोई भी देश अपने क्षेत्र में कोई भी उत्खनन इत्यादि कर सकता है। अब दे लॉक्ड हॉर्न का मतलब क्या, उनके बीच में युद्ध हुआ, क्यों कि भाई ये तो मेरा क्षेत्र और ये तुम्हारा क्षेत्र। जैसे मैंने आपको, यदि आप मेरे रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हैं डेली वाले, तो मैंने आपको बताया है कि चाइना की जो 9 डैश लाइन है वो उसने अब खुद ही क्रिएट कर ली, और कई बार वो यूएन क्लॉज को नहीं मान रहा है और पूरे रीजन के अंदर अपना क्षेत्र बताकर चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसी तरह से ग्रीस और टर्की, ये दोनों कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। ठीक है, तो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी वाटर में कौन कौन से देश आते हैं, तो एक बार इसके लिए हमें मैपिंग पे चलना होगा, राइट। तो मैपिंग देख लेते हैं, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, यस और नो, यस। तो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी का मतलब समझ रहे हैं, ईस्ट का मतलब है ये है ईस्ट वाला पार्ट, ये पूरा ईस्ट चल रहा है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा मैं अपने आप को छुपा लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर चीजों को दिख सके। आई थिंक एकदम क्लियर, यस। अब देखिए ये ईस्ट वाला पार्ट, तो कौन कौन से देश है भाई यहाँ पे, यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफिकली देख लें, तो ये इटली है, इटली का पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। फिर इधर ये वाले जो देश है ना, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ये सभी बाल्कन कंट्रीज है। बाल्कनाइजेशन आपको याद आ रहा होगा, भारत के बारे में भी ये बोला जाता था कि भारत को जब इंग्लैंड छोड़कर जाएगा तो इंडिया विल बी बाल्कनाइज्ड छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि 650 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पर रियासतें थी, राजा महाराजाओं की किंगडम्स थी। तो ये चीज, ये है बाल्कन रीजन। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि एक और रीजन है जिसको बोलते हैं, है ना, ये तो बाल्कन रीजन हो गया, एक है बाल्टिक रीजन और एक है स्कैंडिनेवियन। तो ये सब यूरोप के हिस्से हैं, ठीक है ना, यूरोप के हिस्से हैं। और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, ये पूरा ब्लैक सी चल रहा है। आप यदि रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत फायदा मिलेगा आपको मेरे जो डेली बेसिस के लेक्चर्स हैं। 6 देश ब्लैक सी को कवर करते हैं, जिसमें ये जो है ना, ये क्रीमियन पेनिनसुला जिसको 2014 में हत्या लिया गया, ठीक है, और यहां पर स्ट्रेट ऑफ कर्च है, स्ट्रेट ऑफ कर्च, और ये जो है ना, ये वाला जो रीजन है ये रशिया के पास है, ये सी ऑफ एजोव, इसे सी ऑफ एजोव कहते हैं, और यहां पर कर्च नाम की जगह, इसलिए इसको कर्च स्ट्रेट। फिर ये बॉस्फोरस स्ट्रेट में, और ये है सी ऑफ मरमरा, ये वाला जो छोटा सा, और ये जो जल संधि है वो बॉस्फोरस जल संधि है। तो ये थोड़ा सा ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, मरमरा से शिप्स जाते हैं, फिर डार्डेनलीज स्ट्रेट आता है, और उसके बाद में एजियन सी, और एजियन सी के बाद में किस में एंटर हो जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी में। तो मेडिटेरेनियन सी एक और, मैं भी आगे एक और टर्म आएगा उसको भी समझाऊंगा आपको, एम ई एन ए, है ना, एम ई एन ए, मैना क्या होता है, अभी ये टर्म आगे आएगी एक जगह, राइट, मैना क्या है वो भी इससे संबंधित है।
तो उसको भी अभी कनेक्ट करेंगे। ये जिब्राल्टर की जल संधि है, जहां से इंग्लैंड वगैरह से शिप अंदर एंटर होते हैं। जिब्राल्टर किसका हिस्सा है? इंग्लैंड का है, ठीक है। अब यहां पर जो ये साइप्रस देश है, सीरिया, मैंने सीरिया बताया था ना आपको, ये सीरिया, ठीक है, सीरिया के नीचे लेबनान देश है, फिर ये इजराइल देश है ये वाला, और फिर ये वाला सेनाई पेनिनसुला है जिसको एक समय पे इसराइल ने कब्जा लिया था इजिप्ट से, वापस दे दिया इजिप्ट को। तो ये टर्की, ग्रीस, तो अभी दे हैव लॉक्ड हॉर्न, कौन से दो देश लॉक्ड हॉर्न कर रहे हैं? ग्रीस और टर्की। लॉक्ड हॉर्न क्यों हुए? क्योंकि यहां पर इसका जो रीजन है, टर्की ये बोलता है मेरा रीजन है, ग्रीस बोलता है मेरा रीजन, और हाइड्रोकार्बन यहां पर इस रीजन में मिले हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर ठीक है, यहां तक बात सारी क्लियर है। तो और अच्छे से देख लीजिए, बलकान माउंटेन, ये सर्बिया, बोस्निया, ये मैप पे जरूर देखेंगे आप लोग, है ना, बिल्कुल देखेंगे आप लोग, ऑस्ट्रिया हंगरी, और ये एड्रियाटिक सी है बलकान और इटली के बीच में, और आयोनियन सी, अभी आयोनियन सी भी आएगा, एजियन सी भी आएगा, राइट, है ना। तो यहां पर हम लोग अभी डिटेल में एक और चर्चा करने वाले हैं, कि एक मैप और दिखाता हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग मैप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है, ताकि आपको पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए, इश्यू कहाँ है मैपिंग वाइज क्लियर कर लेते हैं। तो इश्यू है यहां पर, इश्यू जो है वो है ये रहा, ये टर्की रीजन है, टर्की, टर्की यूएन क्लॉज को नहीं मानता, और इसलिए क्या है, टर्की ने अपना एक्सक्लूसिव, टर्कीज एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम, और साइप्रस जो है वो ग्रीस के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, साइप्रियोट, है ना। अब ऐसा कुछ है, साइप्रस अपने आप में देश भी है, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोकार्बन मिले, तो इसलिए ये टसल बन गया है कि भैया मैं लेंगे, मतलब कौन सा देश लेगा, टर्की हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोर करेगा, ये करेगा। सो दिस इज द मेन टसल इन एक्चुअल, इज इट क्लियर? तो मैपिंग में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सभी देश मैंने दिखाई दिया आपको, साइप्रस, ग्रीस, एडमिनिस्ट्रेशन साइप्रस का, निकोसिया राजधानी है साइप्रस की, सीरिया, इन सब की राजधानी, कैपिटल्स आप जरूर आपके ब्लैक श्वान या फिर ऑक्सफोर्ड एटलस में जरूर देखिए। ईस्ट मेडिटेरियन इंक्लूड्स व्हाट? एड्रियाटिक सी हमने देखा अभी इटली के पास, ये सभी बॉडी आप जरूर पढ़ना, इनको लोकेट कीजिए। आयोनियन सी मैंने आपको बताया ग्रीस के पास, ठीक है, लाइज साउथ ऑफ द इटली एंड ग्रीस। एजियन सी हमने बात करी है ग्रीस के बीच में, और एनाटोलिया पेनिनसुला, एनाटोलिया पेनिनसुला किस में आता है? टर्की में, एनाटोलिया पेनिनसुला यदि आप देखना चाहते हैं, तो एनाटोलिया पेनिनसुला जो है ये टर्की वाला हिस्सा है, ये वाला एनाटोलिया पेनिनसुला, ठीक है, ये बहुत फेमस है। तो यहां पर क्या है, ये सब रीजंस तो हमने देखे लिए, और बॉर्डर वगैरह एजियन सी, और आप एक बार मैप देखना अच्छे से, ठीक है। तो हाउ डिड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन बिकम आई ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म, कैसे ये एक और इश्यू उत्पन्न हुआ? तो पिछले 5 साल से क्या हुआ, इस रीजन में नेचुरल गैस रिसोर्सेज वगैरह मिलना स्टार्ट हो गए इनटू ए की स्ट्रेटेजिक एरिया, और इसे ही बोला जाता है मैना, द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि देखिए, नॉर्थ अफ्रीका क्यों बोल रहे, द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि ये नॉर्थ अफ्रीका है ये वाला, है ना, ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, और ये मिडिल ईस्ट है, ठीक है, ये सभी देश, तो मिडिल ईस्ट मेडिटेरेनियन एक्चुअल में, ठीक है, द मिडिल ईस्ट मेडिटेरेनियन वाला हिस्सा। वैसे मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं वो भी बताऊंगा, जो हम लोग ईरान, इराक और, है ना, कजाकिस्तान, ये मिडिल ईस्ट कहलाता है, उसका भी आज पिक्चर देखेंगे हम लोग। सो इट जितना हो सके ना, जियो पॉलिटिक्स यदि आपको समझना है तो आप मैप देखिए, मैप से आपको एक्चुअल इश्यू समझ में आ जाएगा। सो इटली एंड फ्रांस हैव प्लेड इंटीग्रल रोल्स इन ड्राइविंग दैट चेंज एंड हैज प्लेस द ईयू एंड टर्की इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड द रिलेशनशिप ऑन टू मोर एडवर्सियल टर्म। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि टर्की से भारत के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, है ना, समय समय पर उसने, लेकिन वो कई चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो होती हैं, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ है, और उनके जो अर्दोगान है प्रेसिडेंट, वो लगातार भारत के जम्मू कश्मीर के इशू को उछालते रहते हैं, इधर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ओपनली। अभी आपने रिसेंटली खबरों में सुना होगा कि टर्की और पाकिस्तान
आज की तारीख में जो चिल्ड्रन है बच्चों को भी आर्मी में प्रवेश करवा रहे हैं, अभी से उनको बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड करने की कोशिश कर रही है, अभी खबरों में आया था, है ना। तो अपने आप में टर्की जो है वो बहुत ज्यादा किस प्रकार का देश है, एक अवसरवादी देश है, बहुत सारे हथियार भी हैं, रशिया को भी कई बार एंटी चलाया था, रशिया के इसके पास S-300 मिसाइल्स वगैरह भी हैं। सो द गेम चेंजर्स वाज अगस्त 2015 डिस्कवरी ऑफ द मैसिव जौहर नेचुरल गैस फील्ड इन इजिप्टियन मैरीटाइम टेरिटरी। इजिप्टियन इजिप्ट की जो मैरीटाइम टेरिटरी है वहां पर जौहर नेचुरल गैस फील्ड पाया गया, और बस यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अब क्या है इंटरनेशनल लॉ, क्या है यूएन क्लॉज जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। तो साइप्रस जो है उसको सपोर्ट करता है ग्रीस, 1982 में ये लॉ बना था, ठीक है। लेकिन टर्की ने इसको साइन नहीं किया, तो टर्की क्यों मानेगा भाई, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसका भी ठीक है बात, और ये सिग्नेटरी मेंबर नहीं है टू द कन्वेंशन। सो इफ टर्कीज लेटेस्ट एक्शन वर फाउंड इलीगल, यदि उसके एक्शन इलीगल फाउंड होते भी हैं तो मैरीटाइम ट्रिब्यूनल टर्कीज लाइकली, तो टर्की उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, लाइकली अवॉइड दिस रूलिंग, क्योंकि वो तो इसका हिस्सा ही नहीं है, तो लीगली बाइंड नहीं होती है बात। सो साइप्रस एंड ग्रीस हैव नॉट ब्रॉट द केस अगेंस्ट टर्की बिफोर द ट्रिब्यूनल ओवरसींग द लॉ ऑफ सीज, तो अभी तक ट्रिब्यूनल में लाया नहीं गया है, लेकिन इनके बीच में क्या है कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। इज इट क्लियर? तो ये पूरा मैप एक बार अच्छे से देख लीजिए, सी ऑफ मरमरा, क्रीमियन पेनिनसुला, सी ऑफ एजोव, बाल्कन कंट्रीज, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, राइट, सी ऑफ क्रेट, और ये साइप्रस निकोशिया, और इसको सपोर्ट करता है ग्रीस, और निकोशिया इसकी राजधानी है साइप्रस की। इज इट क्लियर? और जोहर ये नाम याद रखना है, जोहर ये नाम पूछे जाते हैं इस प्रकार से, है ना, जोहर ऑयल फील्ड, जो इजिप्ट, इजिप्ट नीचे है तो इजिप्टियन टेरिटरी में इजिप्ट को मदद करेगा ये। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसने अपना एक्सटेंडेड बना लिया, जो मैंने आपको मैप में दिखाया कि भाई टर्की ने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एक्सटेंड कर लिया, जैसे चाइना करता रहता है, सबके अपने टेरिटोरियल कॉन्टिग्यूस और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं यूएन क्लॉज के मतलब अकॉर्डिंग, ठीक है। भारत ने भी इसको साइन किया, इज इट क्लियर? ठीक है,